हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ओडिशा जॉब एकेडमी के आपण मानू स्वागत। आज एएसओए स्पेशल जीके सीरीज रो पार्ट थ्री जनरल स्टडीज पार्ट थ्री आम आउ किसी इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस करवा। तेज आसतु देखि नवा प्रथम क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कीम प्रोजेक्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। आपंकर प्रेजेंट जो आपंकर बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी नरेन्द्र मोदी तो आपण मैंने समस्त जानी तो या भितर कौटा प्रेजेंट गवर्नमेंट मिशन नुह अमृत स्वच्छ भारत आयुष जनधन योजना। तो आपण मैंने जानते अमृत जोटा कि प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी 2015 जून रे इटा को लॉन्च करते अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यार मेन एम थिला टू एस्टैब्लिश ट्रांसफॉर्मेशन बा सीवेज नेटवर्क वाटर सप्लाई फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जोटा कि ऑल पीपल विल हैव एक्सेस टू आपंकर टैप वाटर एंड सीवेज फैसिलिटीज। टैप वाटर और सीवेज फैसिलिटी को सब लोग जमी एक्सेस करेंगे। अमृतर योजना अमृतर मिशन थिला स्वच्छ भारत आपड़ जानते आपंकर 2 अक्टोबर 2014 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करते गोटे विजन रखिजन जे 2 अक्टोबर 2019 ओपन डेफिनेशन फ्री ODF ओपन डेफिकेशन फ्री जमती हो पार एवं आपणकर स्ट्रीट रोड पब्लिक लोकालिटीज ये सब गुड़िक सफा रखापी तर विजन। तो ये मानते एम रखाई 90 मिलियन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करने 90 मिलियन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करने यार स्लोगान कौन एग्जाम आसपे वन स्टेप टुवार्ड्स क्लीनिनेस वन स्टेप टुवार्ड्स क्लीनिनेस एवं हिंदी कहते एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत आडभर्टाइज आसती आपड़ जानते तेज ये जो आपणकर 2017 बेस्ट सिटी होता आपणकर मन रखि थे इंदोर एवं जदि 2016 पचारे तेज बेस्ट सिटी थिला मैसूर एवं 2017 आपणकर फास्ट सिटी थिला इंदोर सेकेंड रे थिला आपणकर भोपाल एवं थर्ड रे थिला विशाखापट्टनम। से प्रकार देखो जनधन योजना, जनधन योजना हूँ आपंकर लॉन्च कराई 28 अगस्त 2014 लॉन्च करा जाई थिला। यार स्लोगन कौन थिला ना मेरे खाता भाग्य विधाता। जनधन योजना रो स्लोगन थिला मेरे खाता भाग्य विधाता। तो यहाँ को नरेंद्र मोदी लॉन्च करी थिले आपणकर जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे रे ही ताको प्रपोजल दे थिले 15 अगस्त 2014 स्पीच रे जनधन योजना रो डिक्लेरेशन करते प्रधानमंत्री जनधन योजना यहाँ एत आकाउंट होता 7 डेज रे जे यहाँ आपने समस्त जानते हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड रे मध्ये ना पाई यार मान यार प्रोविजन यह समस्त खाता अकाउंट रे रही समस्त खाता बैंक रे जदि समस्त निज निजर अकाउंट रही अकाउंट रेमिटेंस क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन जमी समस्त को सुविधा हो समस्त डायरेक्ट अकाउंट डायरेक्ट जहाँ भी बेनिफिट्स अकाउंट को जीवो। तापर देखो तो आयुष आयुष हूँ आपण मैंने जानते आयुर्वेदा आपणकर उन्नानी एवं आयुर्वेदा योगा यूनानी नेचुरापैथी एवं उन्नानी सिद्ध एंड होमियोपैथी आयुष फुल फॉर्म। तो आपणकर जो यहाँ होता मार्च 1995 आपणकर यहाँ जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर से तेज 2003 नेम कर तार नेम चेंज होगी आयुष होता जोटा कि आगुरी आपंकर डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मेडिसिन एंड होमियोपैथी जोटा कि आप 2003 यहाँ रिनेम कर आयुष कर 9 नवंबर 2014 आपणकर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर्म होता है। आगुरी से कौन थिला ना आपणकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थिला एबे सेटा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर्म होता 2014 तेबे ए आयुषटा प्रेजेंट गवर्नमेंट रो प्रोग्राम नुहे तो से यार आंसर हम 3 आयुष। से प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल बॉडी स्टेट गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट कंपनीज। तो यार आंसर हम आपण मैंने जानते सेकेंड लोकल बॉडीज आपणकर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अच्छी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जोटा अच्छी आपंकर सीएजी बॉडी जोटा कि आपंकर कहते आम बर्तमान कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किए सीएजी तो आमर होती राजीव महर्जी आज सी होती 13th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 13th सीएजी होती आपंकर मन रखिंतु राजीव महर्षि। तो काम कौन ना टू ऑडिट द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ आपणकर सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है एवं ऑल द अदर बॉडीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट्स जो गुड़ाक गवर्नमेंट फाइनेंस कर सबूर रिसीप्ट्स एक्सपेंडिचर को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करें। ठीक अच्छे तेरे आप अटॉर्नी जनरल सहित यार कन्फ्यूजन होबेनि बिकॉज़ अटॉर्नी जनरल जब आपको पचारे अटॉर्नी जनरल किए ना आम रोचे के वेणुगोपाल हुई जवर 44th अटॉर्नी जनरल।
ठीक अच्छे आ कंट्रोलर जनरल रहुचे 13th। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एवं गवर्नमेंट कंपनीज माने कंपनीज दैट आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये सब गुडा को सीएजी ऑडिट करंती करि परिवे। सेई प्रकार देखंतु द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल इमर्जेंसी, आपण माने जानिछंती इमर्जेंसी तो 352 356 360 होजी यार करेस्पोंडिंग आर्टिकल, एवं नेशनल इमर्जेंसी आर्टिकल आपण माने समझ जानिथिबे दैट इज आर्टिकल 352 आपण माने समझ जानिछंती। तबे या विषय रे मु किछि इन्फॉर्मेशन आपण को दबा को चाहू छी नेशनल इमर्जेंसी विषय रे। तो आपण माने समस्ते निहाती भाव में जानते जितेबाला आपंकर गोटे इमरजेन्सी क्लिक किए डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे एंड इमरजेन्सी दैट विल बी डिक्लेयर दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक अच्छे विदिन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू, जितेबाला आपंकर डेट इश्यू हम तार वन मंथ भितर नेशनल इमरजेन्सी आक्टा जोटा आपंकर दुटा हाउस पास हाँ दरकार, ठीक अच्छे लोकसभा राज्यसभा। तो इनिशियली आगुरी आम थिला 2 मंथ, किंतु आपन को जो 44th अमेंडमेंट आक्ट 1978 रे एटा रिड्यूस करै के 1 मंथ करा जाय छी, एवं एटा से पचार छी मैक्सिमम लेंथ केते हे परिवो, तो इट कैन बी कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड बट प्रोवाइडेड दैट इट मस्ट बी इट मस्ट हैव अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ, प्रत्येक 6 मास रे आपन तार अप्रूवल आसुथिबा दरकार, लोकसभा मेंबर एमपी मेंबर पार्लियामेंट बा लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट हाउस तक अप्रूव करुथिबा दरकार प्रत्येक 6 मास रे, किंतु एटा इंडेफिनेट पीरियड जाय एटा चली परिबो। सेइ प्रकार देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑक्सबो लेक इज ए आपणकर ऑक्सबो लेक को आपण माने कहंती यू शेप्ड लेक मध्ये कहंती एवं आपण ताको लूप लेक मध्ये कहंती ताको हॉर्स शू लेक मध्ये कहा जाए ताको कट ऑफ लेक मध्ये कहा जाए, ठीक अच्छे। ऑक्सबो लेक को आमे हॉर्स शू लेक मध्ये कहू लूप लेक कट ऑफ लेक, तो एटा कोन हुए ना इट स्टार्ट्स एज ए कर्व दैट इज ए मिएंडर इन ए रिवर, तो यार आंसर देखंतु लेक फॉर्म ड्यू टू कट ऑफ मिएंडर, माने एक्चुअली कोन हुए ना आपणकर जो मेन नदीटा जो बहुत है द मेन स्ट्रीम रे, तो मिएंडर इज फॉर्म व्हेन मूविंग वाटर इन ए स्ट्रीम एरोड्स द आउटर बैंक्स एंड वाइडेंस इट्स वैली इन इनर पार्ट डिपोजिट्स इट्स स्लिट्स व्हेन द मिएंडर कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर, जितेबाला आपणकर ए मेन स्ट्रीम रो गोटे सेटा कट ऑफ हेकि आउ गोटे मेन रिवर गोटे तयार करे, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक, ठीक अच्छे। एवं एटा को ऑस्ट्रेलिया रे बिलाबंग कहंती, ऑस्ट्रेलिया रे ऑक्सबो लेक को बिलाबंग कहंती, एवं ये जो मेन स्ट्रीम, ठीक अच्छे, मेन स्ट्रीम रो ये जो कटिकनी से आउ गोटे यू शेप्ड लेक फॉर्म करे, यू शेप्ड स्ट्रीम तार फॉर्म करे नदी तो आउटर बैंक रो, एवं इनर पार्ट रे तार किसी स्लिट सब डिपोजिट हो जाए, तो सी जो गोटे लेक फॉर्म करे ताको हमें ऑक्सबो लेक कहू, तो लेक फॉर्म ड्यू टू कट ऑफ मेंडर, तो सेथिं कट ऑफ लेक मध्ये ताको हमें कहंती कारण से गोटे मेन स्ट्रीम रो कट ऑफ हेकिनी गोटे लेक फॉर्म करुची, एवं ऑस्ट्रेलिया रे एको बिलाबंग कहंती मन रखिथिबे। से प्रकार देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन, आपनकर जो ब्रेन अच्छी आपनकर ब्रेन टा आमर 2 पार्ट्स गोटे होचे लेफ्ट हेमिस्फीयर आउट होचे राइट हेमिस्फीयर, ठीक अच्छे। आम जो ब्रेन अच्छी आम ब्रेन टा दुटा पार्ट गोटे होचे लेफ्ट हेमिस्फीयर आउट होचे राइट हेमिस्फीयर, तो ता ऊपर कौन हुए लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर रे ता ऊपर देयर इज ए थिन सरफेस लेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन सेल जोटा कि आपण माने कहंती सेरेब्राल कोर्टेक्स, ठीक अच्छे। ये सेरेब्राल कोर्टेक्स कहते, तो ये सेरेब्राल कोर्टेक्स रे 4टा लोब अच्छी, ठीक अच्छे। तो ये हूँ फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोराल लोब एवं ऑसिपिटल लोब, तेरे ये जो ऑसिपिटल लोब हूँ ये आपंकर विजन पे हेल्पफुल, टेम्पोराल लोब हूँ आपंकर ऑडिटोरी मैंने शुणापी दैट इज कनेक्टेड विथ अ इयर, एवं फ्रंटल लोब हूँ आपंकर जहाँ भी आपंकर स्पीकिंग है किसी थॉट प्रोसेस है किसी एक्शन है स्पीकिंग प्लान एवं मसल मूवमेंट है प्लान जजमेंट ये सब फ्रंटल लोब ताको रेगुलेट करे, एवं पैराइटल लोब हूँ आपंकर सेंसरी इनपुट फॉर टच एंड बॉडी पार्ट, ठीक अच्छे। टच बॉडी पार्ट सेंसरी इनपुटा आपंकर पैराइटल लोब रे काम करे, टेम्पोराल लोब हूँ आपंकर ऑडिटोरी ईयर ऑडिटोरी पर्पज पे ईयर पर्पज पे, एवं ऑसिपिटल हूँ आपंकर विजन पे। से प्रकार देखो यार आंसर कौन हम मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज फ्रंटल लोब। से प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉरी द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक अच्छे। तो यार हेडक्वार्टरटा आपंकर कौटी अच्छी आपण मैंने जानते जेनेवा नैरोबी ना भिएना ना न्यूयॉर्क, तो यार आंसर हम आपंकर नैरोबी केनिया, नैरोबीटा हूँ आपंकर केनिया रे। तो तेणु यार यार यूएनईपी मन रखिंतु यार हेड मे भी सी बारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट एत भी नुहे तथा मन रखिंतु एरिक सोल्वेनिक होती यार हेड हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी रहा यहाँ फाउंडेड होता आपंकर 5 जून 1970 जोटा कि आप एनवायरमेंट डे बोलिक सेलिब्रेट करूँ 5 जून 1972 रे यहाँ
ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ମାରାସମସ୍, ମାରାସମସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଏବଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦୁଇଟା ଆସେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାସିଅର୍କର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାରାସମସ୍। ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ଯଦି ମାରାସମସ୍ କହିଥିବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ସକାଶେ ଏ ମାରାସମସ୍ଟା ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱାସିଅର୍କର୍ ପଚାରିଥିବ, ଦେନ୍ କ୍ୱାସିଅର୍କର୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱାସିଅର୍କର୍ ଆଉ ମାରାସମସ୍ ଆପଣଙ୍କ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଦର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍। ଏଇଟା କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭୋଲକାନୋ, ଡର୍ମାଟ ଭୋଲକାନୋ, ନା ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ଭୋଲକାନୋ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଫେମସ୍ ମଧ୍ୟ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭୋଲକାନୋ। ଏଥିରେ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 6 ଟାଇମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭୋଲକାନୋ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2006ରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ 2006ରେ ଭୋଲକାନୋ ହୋଇଥିଲା ଏଠି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର୍ରୁ 135 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇଟା ବାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଏଠି ଅଛି, ତେବେ ସୁମାତ୍ରା ଆଉ ବର୍ମା ମଝିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦାଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ପପୁଲାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍। ଦାଣ୍ଡିଆ କାହାର ପପୁଲାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନବରାତ୍ରିରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଦାଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ପପୁଲାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଗୁଜୁରାଟର ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ, ହେଉଛି ଗର୍ବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗର୍ବୀ, ରାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ରାସ୍ ଦାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର୍ ଗୁଜୁରାଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନର୍ମଦା ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରସାଗର, ସାବରମତୀ ରିଭର୍, ମାହି ରିଭର୍, ତାପ୍ତି ରିଭର୍, ଦମନ ଗଙ୍ଗା, ଏସବୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କଥା କହିବି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ବଂଶଧାରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ବଂଶଧାରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ବ୍ଲାକ୍ ବଗ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଜମ୍ବୁଗୁଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଫେମସ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ଦ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ୱାଜ୍ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏନ୍ସି ଆଉ ମୁସଲିମ୍ କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ଏଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1916। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1916। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏନ୍ସିରୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏନ୍ସିରୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଏବଂ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ରୁ, ଆଇଏନ୍ସିରୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏବଂ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ବୋଥ୍ ପାର୍ଟି ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁଗେଦର, ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଇଏନ୍ସି ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ମିଶିକିନି ଡିସେମ୍ବର 1916ରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇ ସାଇନ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରିଟିଶ। ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା କେବେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଜୁନ୍ 12, 1905। 1905, ଠିକ୍ ଅଛି, 1905ରେ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ସ୍ପେଶିଆଲି କଂଗ୍ରେସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟାର ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ସାନିଟେସନ୍, ହେଲ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଇଭିଲ୍ସ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଅନଟଚେବିଲିଟି, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍, ସାନିଟେସନ୍, ଏହିସବୁକୁ ମେନ୍ଲି ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ପୁନେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୋସାଇଟି ଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଏ ଡେଲ୍ଟା। ଯେଉଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର୍ସ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମ କରେନି, ତାଙ୍କ ହାର୍ଡ ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଏସ୍ୟୁଆରିଜ୍ ଫର୍ମ କରନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ହାର୍ଡ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସ। ତ ସେମାନେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କମ୍ସ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଆରାବେନ୍ସି, ତ ସେଥିରୁ ଏସ୍ୟୁଆରିଜ୍ ଫର୍ମ ହୁଏ, ବଟ୍ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମ ହୁଏନି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ତାପ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପ୍ତିର ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଥିବେ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏହାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, ଏହାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 724 କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତପୁରା ରେଞ୍ଜ, ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଏଇଟା? ସତପୁରା ରେଞ୍ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତାପ୍ତିଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଥାଏ ଅଛି? ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ ନର୍ମଦା ରିଭର୍ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଏଇଟା ତାପ୍ତି ରିଭର୍ସ।
ठीक अच्छे गोदावरी नर्मदा मझे हूँ आपंकर ताप्ती रिवर यहाँ वेस्टवर्ड फ्लो करे एवं आसिकी मिशुची कौटी आपणकर गल्फ ऑफ खंबात जोटा कि आपंकर आरबियन सी रे आसिकी मिशुची। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर एन टूथ इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ठीक अच्छे आखिपाई आखि दातपाई दात जैसा को तेसा को कहते सो दिस इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस आंसर इज बी। ठीक अच्छे बी हम यार आंसर रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस तो यहाँ यार माने कौन ना ये कौन फोकस करे एक्चुअली ना पनिशमेंट पनिशमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफेंस आपन जहाँ करिछंती आपन को सहित से ही घटा जीव इफ यू हैव डन ए मर्डर देन यू विल बी मर्डर। ठीक अच्छे तो आपण सहित जहाँ घटी आपड़ जहाँ घटेंट आपण सहित घटे देन यू विल फील द पेन एंड सोसाइटी विल बी आवेर तो यार मेन हूँ प्रिंसिपल हूँ या तो यहाँ मन रखी था दिस इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक अच्छे पनिशमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफेंस बिकॉज ऑफेंडर डिजर्व्स पनिशमेंट इन रिटर्न यार मेन फोकस हूँ ऑफेंडर डिजर्व्स पनिशमेंट इन रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द किए फंडामेंटल राइट आपको सस्पेंड करेंगे सेटा होची इमरजेंसी रे आपन को प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। मु फंडामेंटल राइट विषय रे आगरो मध्य कहिछि आगो जो एस ओ क्रैश कोर्स समय ई क्वेश्चन आंसर सीरीज करूचे तबे जदि देखि नै तबे देखि देबे बहुत गुडे आइडियाज हबो कारण आमे गोटे गोटे क्वेश्चन जेति मु 25 टा क्वेश्चन डिस्कस करनी 25 इनटू 4 आपन करि परंती मिनिमम आपन 100 क्वेश्चन कवर हो जाउ थबो बदे मते जेति लागु छै ना मिनिमम तो 75 प्लस क्वेश्चन आपन कवर हो जे एंड दैट इज इंपोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक अछि से प्रकार देखंतु एटा प्रेसिडेंट आपन सस्पेंड करि परिबे एवं आपणकर ओरिजिनली सेवेन फंडामेंटल राइट्स थिला जोटा कि आपणकर राइट टू प्रॉपर्टी उठी जाइछि एवं एना कोन नाउ एबे सिक्स फंडामेंटल राइट्स हमर अछि मो ऑलरेडी डिस्कस करि सेट छि देखि नेबे जे देखि नथि व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज या भीतर कोडा फंगल डिजीज लिकोडर्मा एक्जेमा रिंगवर्म एलिफेंटेसिस जोटा आपणकर गोदर गोडे कहउछन्ति एक्जेमा जोटा आपणकर लाल लाल हे जाय लिकोडर्मा होछि आपणकर जो छौ छौ हे जाय जो स्किन ने देखि देबे किछ व्हाइट व्हाइट पर्सन किछ लोकंकर हे जाय दैट इज कॉल्ड लिकोडर्मा। ठीक अछि तार यार आंसर हबो रिंगवर्म रिंगवर्म होछि आपणकर गोटा फंगल डिजीज जो अंति जादू जादू बले छौ छौ बले जादू दुभले एमती हो जाए तो सीटा को दैट इज अ फंगल डिजीज से प्रकार देखो आप रिंग गार्ड जो एडवर्टाइज मैं देखो आप जानते तो द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन द ऑटोमोबाइल इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ यार एटा कहार एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना टॉर्सेलन लॉ ना बर्नौलीज थ्योरम ना पास्कल्स लॉ तो ये आंसर हम आप समस्त जानते पास्कल्स लॉ कौन कौन ना तो प्रेशर चेंज अकर एनीवेयर इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक अच्छे द प्रेशर चेंज अकर एनीवेयर इन इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लुइड सो दैट द सेम चेंज विल अकर एव्रीवेयर माने भावंतु एटा धर गोटे मास्टर सिलिंडर मु मास्टर सिलिंडर एटी किसी प्रेशर एक्जर्ट करी तबे जेती की मोर एटी डाउन हबो तबे सब सब सिलिंडर रे सेती की अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सबुठी राइज करिवो तो दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ठीक अच्छे एटा होची हाइड्रोलिक ब्रेक रो प्रिंसिपल से इथरे हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स रो हाइड्रोलिक ब्रेक रो प्रिंसिपल होची तो पास्कल लॉ ऊपर डिपेंड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक ना मेटामॉर्फिक रॉक ना सेडिमेंटरी नन ऑफ दिस तो मार्बल होची आपनकर जमा से जानिसिबे एटा होची आपनकर मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक अछि मार्बल हैला नीस हैला स्लेट हैला आपनकर क्वार्जाइट हैला ये सब तो कहउची मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक अछि तो यार आंसर हबो बी मेटामॉर्फिक रॉक से प्रकार देखंतु द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज यार आंसर कौन हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी वेकर डिसकंटिन्यूटी मोहरविर डिसकंटिन्यूटी और नन ऑफ दिस तो यार आंसर हम सी मोहविरसिक डिसकंटिन्यूटी ताको मोह डिसकंटिन्यूटी मध्य कहा जाए इट कम्स माने इटा को ना दी बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड आफ्टर द नेम आंड्रीजा मोहरविक ना थिला आंड्रीजा मोहरविक ना अनुसार यहाँ मोह डिसकंटिन्यूटी कह जाए मोहरविक डिसकंटिन्यूटी एक कह जाए द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ आपने जानते मुझे कांग्रेस विषय ऑलरेडी आपको बहुत गुडे इनफर्मेशन दे सारी तेरे ये देखो मुझे कहीदे पुणी थे फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी आपंकर होता जो क्या अंडर होता है दैट इज सोमेश चंद्र बानर्जी दैट इज डब्ल्यू सी बानर्जी केवे होता 28 डिसेंबर 1885 जब आप कांग्रेस फर्म होता तो फर्स्ट सेशन होता है आपंकर कौट होता बॉम्बे सेशन होता आपंकर 72 डेलीगेट्स को अटेंड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द रियोतवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन द बंगाल प्रेसिडेंसी ना बॉम्बे ना मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी यार आंसर हम मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी डी आपन को रियोतवारी सिस्टम रे आपन माने किछ जानि थंतु दैट इज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो इन 1820। ठीक अछि थॉमस मुनरो एको इंट्रोड्यूस करथिले
थोमास मुनरो आपंकर 1820 रे रुएतुआरी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते तो रिओतुआरी माने कौन ना रिओतुआरी माने हूँ रिओत्स रिओत्स हूँ आपंकर कल्टिवेटर्स ठीक अच्छे कल्टिवेटर्स माने डायरेक्टली आपंकर टैक्स देवे टू द ब्रिटिश ठीक अच्छे आगर कौन थी आप जमींदारी सिस्टम थी आपण मैंने सब जानते हैं जमींदारी सिस्टम महलवारी सिस्टम या विषय में मुझे सब डिस्कस करी तो आप जानते हैं जमींदारी डिस्कस जमींदारी सिस्टम कौन थी ना जमींदार मैंने पिजाणस कलेक्शन करेंगे और ब्रिट को देते ठीक अच्छे महलवारी सेमती हेड अफ द भिलेज टैक्स कलेक्ट करेंगे और आपंकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते जो रिओतुआरी हूँ मानने कल्टिवेटर जी पेजेंट जी सी निजे डायरेक्टली जेकोसी जगह को जेकोसी जोटा सी ही कल्टिवेट कर तार ओनर केवल सी ही से समय पर रहीपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ताको नहींजो ठीक अच्छे और तार टैक्सटा से ब्रिटिश गवर्नमेंट को दब सी जहाँ भी कल्टिवेट कर तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टार्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हूँ आपंकर किए स्टार्ट करते बहुत इजी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही क्वेश्चन ही एग्जाम्स देखा मिले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द मैंने बहुत इजी क्वेश्चन किंतु मोस्ट ऑफ द टाइम आपने भूल करेंगे मन पड़े से सब रिवाइज करने सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो गुड़ाक आसूसी आसूसी मैंने एग्जाम्स आसवर चान्स रोचे से क्वेश्चन गुड़ाक मुझे डिस्कस करुँच देखो यार आंसर हम ए लॉर्ड डालहौजी तो लॉर्ड डालहौजी हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट करते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन आप जानते अनेक्स एक्शन पॉलिसी कहा जाए तो आपंकर जदि कहीं चाइल्ड नथिबे कहीं सक्सेसर आपंकर नथिबे तबे आपंकर जो किंगडम थी दैट विल बी रूल्ड बाय द ब्रिटिश एवं ताकु ब्रिटिश ओवरटेक कर दउथले ठीक अच्छे से जो आपंकर राज्य को ब्रिटिश ओवरटेक करदे जब आपंकर किए चाइल्ड की सक्सेसर ना तो सहीटा होगी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाए दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डालहौजी आ गोटे कन्फ्यूजन हेनी सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेसली ठीक अच्छे 1798 1805 आपंकर लॉर्ड वेलेसली एको इंट्रोड्यूस करते सब्सिडरी अलायंस कौन ना यहाँ हूँ आपंकर गोटे सब्सि मैंने गोटे कौन सब्स्टिट्यूट भाया मैंने आपन धर इफ यू आर अनेबल टू रूल योर किंगडम आपंकर किसी इनकम्पिटेन्स रोच इफ यू आर नॉट सिक्योर इफ यू आर फिलिंग इनसिक्योर तो आपन माने ब्रिटिश टू हेल्प मागिबे ब्रिटिश कर रूलर्स आसिके एठी आपनको शासन करिवारे साहाज्य करिवे एवं ता बदले से माने मेंटेनेंस चार्ज करिवे आ परवर्ती मुहूर्त से माने फोर्स मध्ये करथले जे सब सब सो दैट माने इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूलर्स ही सब एरिया रे चालिबो ठीक अछि सब्सिडरी अलायंस तो पर मैंने कंपेल फोर्स करुले राजा मानक सब्सिडरी अलायंस साइन करने पर गुड़ा सब डिस्कस करवा व्हेन वेयर द हाई कोर्ट्स इन कलकाटा मद्रास एंड बॉम्बे एस्टैब्लिश आपंकर बॉम्बे हाई कोर्ट कलकाटा मद्रास एक जो इंडियन हाई कोर्ट आक्ट थी आपंकर जानते इंडियन हाई कोर्ट आक्ट मन रखी था 1861 हाई कोर्ट आक्ट अनुसार आपंकर जो क्वीन विक्टोरिया से प्रपोजाल देते जे कलकाटा बीएमसी बॉम्बे मद्रास कलकाटा हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हाँपी ठीक अच्छे एज पर द आक्ट इंडियन हाई कोर्ट आक्ट 1861 तो यह आंसर हम ए 1861 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो आपनकर एस्टैब्लिश केबे हेतला तो आपन को जानिथिबे आरबीआई विषय मध्ये मु आगुर आपन को कहि सरिछि आरबीआई केते को ईयर एस्टैब्लिश हेतला मते आपन कमेंट माध्यम रे एटा जणंतु ठीक अछि मु तो ऑलरेडी बहुत जिंस गो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करि सरिछि पुनी को आपन कहि दउछि आपन को मोस्ट ऑफ द टाइम्स आसे क्वेश्चंस फाइनेंशियल ईयर बा अकाउंटिंग ईयर ताको पछरे तो एटा केबे ना एटा होछि आपन को जुलाई टू जून ठीक अछि आगुर आपन को जनवरी जो आपंकर जानुरी थी तो पर चेंज हो जुलाई टू जून हो ठीक अच्छे जुलाई टू जून होता तो जुलाई टू जून आपने मन रखी था बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तेज मन रखते हैं फास्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई जब आपको पचारे तो किए ऑसबर्न स्मिथ होती फास्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ठीक अच्छे 1935 से प्रकार जब फास्ट इंडियन गवर्नर आपको पचारे फास्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई तेज सी डी देशमुख और जब करेंट गवर्नर पचारे तो आप जानते हैं इज उर्जित पटेल ठीक अच्छे तो यार हेडक्वार्टर हूँ मुंबई मुझ फास्ट वीडियो रे डिस्कस कर ऑलरेडी या विषय में दैट वाज एटा कहा को कमिशन हिसाब से रिकमेंडेशन हिसाब से होता है दैट इज हिल्टन यंग कमिशन रॉयल कमिशन कौता रिकमेंड करते आरबीआई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा कौन समस्त आप जानते संबर डियर ठीक अच्छे संबर डियर को आईयूसीएन जो अच्छी आमर से वल्नरेबल बोल के डिक्लेयर कर दी सो यहाँ वल्नरेबल स्पेसीज अंडर द नेशनल आपंकर जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन आक्ट अच्छे डब्ल्यूपीए वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन आक्ट अनुसार 1972 अनुसार सो संबर डियर हाज बीन डिक्लेयर्ड एज वल्नरेबल ठीक अच्छे और यार तार जूलॉजिकल नाम मन रखी था रुसा यूनिकलर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट सिफा
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर जोटा कि एक्वाकल्चर जोटा कि आपंकर भुवनेश्वर पुरी रोड रे अच्छी जोटा कि आपंकर पिपिली पाखापाखि तो दैट इज पुरी डिस्ट्रिक्ट आसुच्छे यहाँ ठीक अच्छे। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से भुवनेश्वर अच्छे ठीक अच्छे। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन एग्रीकल्चर दैट इज गिवेन इन बालेश्वर, बालेश्वर नुह ये भुवनेश्वर तो आंसर अब यार सी ठीक अच्छे यहाँ भुवनेश्वर अच्छे। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कटक रे अच्छे ठीक अच्छे यहाँ मन रखी था तो ये सब ऑप्शन ठीक अच्छे। थर्डटा हूँ आप भुवनेश्वर हवा कथ दैट इज बालेश्वर दीजिए तो दैट इज भूल। तो यही प्रकार किसी इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन आम डिस्कस करने को चेस्ट कले इन 25 मिनट्स सहित बहुत इंपोर्टेंट इनफर्मेशन आपको देखिए निश्चित भाव में भिडियो देखते जब भल लगी तेज निश्चित भाव में लाइक करूँ सेयार करूँ और जब चैनल स्टेट ट्यून रहा सब्सक्राइब करूँ कारण आमको आगू आगे या एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपोर्टेंट वीडियोस मध्ये आसी जोटा कि डेफिनेटली एग्जाम रे हेल्पफुल हम और बेनिफिशियल हम। नमस्कार धन्यवाद।